तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल जी एमआर वाईटी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा और देखा है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बेस्ट टूर्नामेंट एप्लीकेशन के बारे में, जहां पे आप लोग फ्री के भी टूर्नामेंट्स खेल सकते हो और साथ ही साथ आप लोग वहां पे पैड टूर्नामेंट्स को खेलकर बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। हां, यहां पे आप लोगों को 24/7 आवर्स कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है, इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटीज मिल जाती है, 1v1 के मैचेस मिल जाते हैं एंड ऐसी फीचर आप लोगों को मिल जाती है जिससे कि आप लोग ना खुद से भी वहां पे टूर्नामेंट क्रिएट कर सकते हो 1v1 के। तो आप लोग ना खुद से भी वहां पे को क्रिएट करके खेल सकते हो एंड खेल के अर्न कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को 1v1 कस्टम के मैचेस मिल जाएंगे एंड आप लोग ना टीम को टूर्नामेंट्स भी यहाँ पे खेल सकते हो। मतलब आप लोगों को ना इस एप्लीकेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। फैसिलिटीज मतलब यार आप लोगों को ना भर भर के मिलने वाली है कि आप लोग ना उतना खेल ही नहीं पाओगे। तो प्लीज यार आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो विदाउट एनी स्किप। एंड तक वॉच करने के बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते हो तो आप लोग खाली हाथ नहीं जाने वाले हो, आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले, मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाली है एज अ रिडीम कोड। या गाइस, अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते हो तो आप लोगों को ना 30 rupees का रिडीम कोड गिव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को 3 इजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक ही वॉच करना विदाउट एनी स्किप, 5-10 seconds स्किप कर लेना, नॉट अ प्रॉब्लम गाइस। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप है ना, आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है एंड अपने किसी 2 friends को इस वीडियो को शेयर कर देना जिनको इसकी सख्त जरूरत है। एंड उसके बाद 3rd step में ना आप लोगों को वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, बट कमेंट के साथ ना आप लोगों की गेम की UID होनी कंपलसरी है। अगर आप लोग अपने गेम की UID नहीं दोगे तो आप लोग ना रिजेक्ट कर दिए जाओगे एंड उसके बाद ना भाई आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो भाई पार्टिसिपेट करने के लिए इन 3 steps को फॉलो करो एंड पार्टिसिपेट करो इस गिव अवे में। तो भाई चलो यार बढ़ते हो वीडियो में आगे की ओर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जिस टूर्नामेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है रोज प्ले। या गाइस, आप लोग ना इस एप्लीकेशन में ना फ्री के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, पैड टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, 1v1 के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, टीम कोड टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, मतलब टीम कोड वाला भी टूर्नामेंट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। वो कैसे खेला है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा एंड इसके साथ यहाँ पे गाइस आप लोगों को और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन लिंक सिंपली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना गाइस आप लोगों को रजिस्टर और लॉगिन का आइकन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को रजिस्टर वाले बटन में सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस बटन में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड रेफरल को डाल देना है। उसके बाद नीचे ना आप लोगों को अपना पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड आप लोगों को याद रखना है, किसी को बताना नहीं है। उसके बाद आप लोग जैसे ये सारे के सारे डिटेल्स फिल अप कर दोगे तो आप लोगों को सिंपली साइन अप वाले बटन में क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस बटन में क्लिक करोगे तो आप लोग ना सिंपली साइन अप हो जाएगा, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, टूर्नामेंट और सोलो। गाइस, सोलो वाले सेक्शन में आप लोगों को सोलो के टूर्नामेंट्स खेलने को मिलेंगे एंड टूर्नामेंट वाले सेक्शन में ना गाइस आप लोगों को फुल मैप के टूर्नामेंट्स खेलने को मिलेंगे। मतलब टूर्नामेंट्स आप लोगों को यहाँ पे खेलने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ना आप लोग फ्री फायर के टूर्नामेंट्स को खेल सकते हो। तो गाइस आप लोगों को फ्री फायर मैक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे ना गाइस आप लोगों को लॉन्ग मैप के टूर्नामेंट्स मिलेंगे, मतलब फुल मैप के टूर्नामेंट्स मिलेंगे। तो आप लोग ना यहाँ पे जो टूर्नामेंट आप लोगों को अच्छा लगे ना उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे खेल सकते हो। बस आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, पैड टूर्नामेंट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री के भी टूर्नामेंट्स आप लोगों को खेलने को मिलेंगे, डोंट वरी गाइस। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को बस कोई भी एक टूर्नामेंट चूज कर लेना है एंड ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ज्वाइन वाले बटन में क्लिक करके सिंपली यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स वगैरह फिलअप करके सिंपली ज्वाइन कर लेना है। काफी ज्यादा इजी है, बस आप लोगों के वॉलेट में पैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को 2v2 के मैचेस भी खेलने को मिल जाएंगे, मतलब कि क्लैश स्क्वाड में आप लोगों को 2v2 के मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो आप लोगों को 2v2 का अलग सेक्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग टूर्नामेंट्स को ब्राउज कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को गाइस यहाँ पे ज्वाइन करना है तो सेम स्टेप को आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करना है, स्लॉट आप लोगों को बुक कर लेना है 1 और 2, आप लोगों की जो चाहे वो स्लॉट बुक करना, बस सीक्वेंस वाइज करना, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आप लोगों को ऐड इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जो भी डिटेल्स है ना वो फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना मैच को, आप लोग सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाओगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे 4v4 के मैचेस खेले तो 4v4 के मैचेस भी खेल सकते हो, बट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग उनको भी यहाँ पे खेलकर अर्निंग कर सकते हो काफी अच्छी खासी। अब बात कर लेते अपने सोलो टूर्नामेंट के बारे में, तो आप लोगों को सोलो वाले सेक्शन में आ जाना है गाइस डैशबोर्ड पे आने के बाद। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को टीम कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑलरेडी बने हुए, मतलब बंदों ने यहाँ पे चैलेंज दिया हुआ है, तो आप लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को खुद का बनाना है तो आप लोगों को क्रिएट कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद बस गाइस आप लोगों को यहाँ पे ऊपर नाम डाल देना, नीचे अमाउंट डाल देना, कितने का आप लोगों को मैच रखना है, 10 rupees या 20 rupees जो चाहे वो, विदाउट पासवर्ड या विद पासवर्ड, तो आप लोगों को विद पासवर्ड रख देना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को पासवर्ड वगैरह एंटर कर देना गाइस, ओके। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे विदाउट पासवर्ड भी रख सकते हो आप लोगों की इच्छा। उसके बाद आप लोगों को बस क्रिएट कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों के वॉलेट में 10 rupees है तो आप लोगों के वॉलेट से भी 10 rupees कटेगा, सामने वाले बंदे के भी वॉलेट
से 10 रुपीज कटेगा। एंड अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे दूसरों के मैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को बस एक्सेप्ट करना है। एंड फ्री फायर 1v1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें क्या था गाइस, टीम कोड वाला था एंड यहाँ पे आप लोगों को कस्टम वाला खेलने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें आप लोग इजिली खेल सकते हो, बस आप लोगों को सेम स्टेप को भी यहाँ पे भी फॉलो करना है। एंड अगर आप लोग चाहो तो किसी के मैचेस को भी एक्सेप्ट करके खेल सकते हो, काफी ज्यादा इजी है गाइस। आप लोगों को ना वहाँ पे चैट वगैरह करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम गाइस, आप लोग काफी आराम से यहाँ पे मैचेस को खेल सकते हो एंड खेल के भाई अर्न कर सकते हो। तो भाई ये तो था कि कैसे आप लोग टूर्नामेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, बट अब हम बात करने वाले कि कैसे आप लोग अपने जीते हुए पैसे को निकाल सकते हो। अब आप लोगों को बता दूं कि इस एप्लीकेशन में आप लोगों को मल्टीपल विड्रॉल ऑप्शन मिलने वाले, मतलब कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे UPI तो मिलने वाला है नॉर्मली, बट यहाँ पे ना गाइस आप लोगों को विड्रॉल में एक और ऑप्शन देखने को मिलने वाला है जो कि है रिडीम कोड। अब टीनेजर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस एप्लीकेशन से, बिकॉज वो लोग भी यहाँ से आराम से विड्रॉल कर सकते हो रिडीम कोड के थ्रू। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे ऐड और विड्रॉल कर सकते हो मनी को। तो आप लोगों को सबसे पहले ऊपर कॉइन वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मनी ऐड करने के लिए आप लोगों को ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ना गाइस आप लोगों को अमाउंट डाल देना है। 10 रुपए ऐड करें तो आप लोगों को 10 रुपए डालकर सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ना गाइस आप लोगों को पे 10 रुपीज क्लिक करना है। आप लोगों को जो भी UPI सेलेक्ट करना है ना उसको सेलेक्ट कर लो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी करना सेलेक्ट करो एंड उसके बाद आप लोगों को बस यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ना आप लोगों के जो पैसे है ना वो आप लोगों के वॉलेट में ना ऐड कर दिए जाएंगे। काफी ज्यादा इजी यहाँ पे पैसे को ऐड करना। एंड हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को वापस वहीं पे आ जाना है। आप लोगों को जो विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ना यहाँ पे UPI ID में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ना गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपना UPI ID डाल देना है। जो भी आप लोगों का UPI ID है ना उसको यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। फेमपे का UPI ID को भी यहाँ पे डाल सकते हो, पेमेंट आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ना यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, 50 रुपीज, 100 रुपीज, जितना भी आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को बस अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करना है एंड विड्रॉल मनी वाले बटन पे क्लिक करके आप लोगों को ना यहाँ पे सिंपली विड्रॉल कर लेना है। काफी ज्यादा इजी है। अब गाइस अगर आप लोगों को रिडीम कोड चाहिए तो आप लोग यहाँ पे रिडीम कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड आप लोगों का जो ईमेल आईडी है ना वो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे एंटर कर देना, ताकि आप लोगों की जो रिडीम कोड है ना वो आप लोगों के मेल सीधा मेल कर दिया जाएगा। ओके, तो आप लोगों अपना ईमेल आईडी एकदम सही सही डालना, ताकि आप लोगों की जो रिडीम कोड है ना वो आप लोगों के मेल आईडी पे रिसीव होगी, तो वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। तो काफी ज्यादा इजी है गाइस यहाँ से विड्रॉल करना पैसे। तो आप लोग आराम से यहाँ पे पैसे विड्रॉल कर सकते हो और भाई ऐड भी कर सकते हो। ऐड करके भाई यहाँ पे पैट टूर्नामेंट्स खेलो, खेलकर भाई अर्निंग वगैरह करो। पहले देखो फर्स्ट टाइम ट्रस्ट के लिए ना आप लोग ज्यादा ऐड मत करना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, पहले कम करना। एंड अगर आप लोग फ्री के भी टूर्नामेंट्स मिलते हैं तो आप लोग फ्री के टूर्नामेंट्स खेलो एंड खेल के ट्रस्ट तो हो ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को ऐड करना है तो कम पैसे ऐड करो एंड ऐड करने के बाद अगर आप लोगों को जमता है एप्लीकेशन तो यहाँ पे बिंदास पैसे ऐड करो और खेलो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, RahulGMRYT69 माय Insta ID, वहाँ पे आप लोग मुझे कर सकते हो DM 24x7 hours, I am available for you। तो जाकर मुझे वहाँ पे फॉलो करें, DM कर लो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, सो बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।